गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 12 प्रकरण में हमारे पास है काल, मतलब समय। कैसा समय? जिस समय में क्रिया संपन्न की जाती है, काम संपन्न किया जाता है। यहाँ पे काम से अर्थ है, काल का मतलब क्रिया से संबंधित है कि क्रिया किस समय संपन्न की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो परिभाषा देखेंगे क्रिया के, क्रिया मतलब काम के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से, मतलब क्रिया के रूप से पता चलेगा कि काम कार्य किस समय हुआ है, भूतकाल में हुआ है, वर्तमान काल में हुआ है या भविष्य काल में हुआ है। तो जिस रूप से कार्य के संपन्न होने के समय का पता चलता है, किस समय काम किया गया पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो अब एक हम काल का उदाहरण देखेंगे, जैसे नंबर 1 बंदर, पेड़ पर कूद रहे हैं। तो यहां पे कूद रहे हैं मतलब कूदने की क्रिया की जा रही है, कूद रहे हैं बंदर पेड़ पर, कूद रहे हैं क्रिया से पता चल रहा है किया हुआ क्या, किस समय यह कार्य या क्रिया किस समय संपन्न हुई। तो मतलब कूद रहे हैं मतलब अभी कूद रहे होंगे, तो हम इसको हम वर्तमान काल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्तमान काल, वर्तमान काल। और अगर हम इसी को, अगर इस वाक्य को बदलेंगे, बंदर पेड़ पर कूद रहे थे, अगर हैं की जगह थे आएगा, था थे थी, जिस वाक्य के अंत में होगा, जिस क्रिया के साथ होगा, वह क्रिया क्या है, भूतकाल में होगी। तो अगर बंदर पेड़ पे कूद रहे थे तो मतलब कल कूद रहे थे या इससे थोड़े दिन पहले कूद रहे थे, तो यहाँ पे क्रिया से पता चल रहा है कि यह क्रिया क्या हो चुकी है, मतलब भूतकाल। और अगर हम इसी वाक्य को देखेंगे कि बंदर पेड़ पर कूदेंगे, गागेगी, जहां पे जिस क्रिया के अंत में आएगा वहां पे हमें पता चलेगा कि क्रिया अभी संपन्न नहीं है, बल्कि आने वाले समय में संपन्न होगी, तो हम उसको भविष्य काल कह सकते हैं। तो अब इसके बाद हम क्रिया काल के भेद देखेंगे, काल के कितने भेद होते हैं। ठीक, तो काल के भेद, तो काल के हमारे पास 3 भेद होते हैं, साधारणतः मुख्यतः 3 भेद होते हैं। नंबर 1 देखेंगे हम, सबसे पहले वर्तमान काल लिख देते हैं, वर्तमान काल। ठीक है, तो वर्तमान काल किसे कहेंगे, वर्तमान काल की परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में कार्य होने का ज्ञान हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल। क्रिया के, अगर क्रिया चल रही है अभी, तो उस समय को हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। जैसे हम एक उदाहरण लिखेंगे, नंबर 1, जैसे माँ खाना बना रही है, माँ खाना बना रही है, बना रही है, बनाना यहां पे क्या है, क्रिया है कि माँ के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, पर किस समय बना जा रहा है, तो क्रिया से पता चल रहा है बना रही है से भी पता चल रहा है कि अभी ये क्रिया क्या है, वर्तमान समय में हो रहा है। तो इस वाक्य से हमें पता चल रहा है कि क्रिया क्या है, वर्तमान समय में हो रही है, अर्थात यह क्या है, वर्तमान काल है। ठीक है, माँ खाना बना रही है। अब दूसरा है हमारे पास भूतकाल। ठीक है, भूतकाल, कि भूतकाल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य के होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में होने का बोध हो, अगर क्रिया से पता चल रहा है कि काम हो चुका है, तो वहां पे उस वाक्य में वहां पे क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा।
हम लिख सकते हैं जैसे माँ ने खाना बनाया, तो बनाया शब्द बनाया यहां पे बनाना क्या है, खाना बनाना क्या है, क्रिया हो रही है, तो माँ ने खाना बनाया, तो इस क्रिया से हमें पता चल रहा है कि क्रिया क्या है, हो चुकी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां पे क्या है, भूतकाल है, मतलब भूतकाल मतलब बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं और चल रहे समय को हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, अब नंबर तीन है हमारे पास काल का भेद, नंबर तीन भविष्य काल। भविष्य काल, ठीक, तो भविष्य काल की परिभाषा देखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो, आने वाले समय में कार्य का होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में जब क्रिया हमें पता लगेगी कि अभी हुई नहीं और ना हो रही है बल्कि होने वाली है, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, भविष्य काल कहेंगे। जैसे नंबर एक देखेंगे, एक उदाहरण देखेंगे, मां खाना बनाएगी, तो वाक्य के क्रिया के अंत में जहां पे गागेगी आता है, वह वाक्य हमारा क्या है, भविष्य काल में होता है। मां खाना बनाएगी मतलब अभी बनाया नहीं बल्कि आने वाले समय में क्रिया होगी, आने वाले समय में काम होगा, तो हम इस वाक्य को कह सकते हैं कि यह क्या है, भविष्य काल है। ठीक है, इस वाक्य में भविष्य काल है कि क्रिया अभी संपन्न हुई नहीं बल्कि आने वाले समय में होगी, तो आने वाले समय को हम क्या कहेंगे, भविष्य काल। चल रहे समय को हम वर्तमान काल कहते हैं, जिस समय क्रिया चल रही है, और अगर क्रिया हो चुकी है तो भूतकाल कहते हैं, और क्रिया अगर होने वाली हो तो हम भविष्य काल कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे काल के बारे में पढ़ा, काल की परिभाषा पढ़ी, और काल के तीन भेद होते हैं, साधारणतः तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। थैंक यू।